संगम नगरी प्रयागराज में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं बैठक करके वोटिंग पर चर्चा की है। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि फर्जी वोटिंग लोकसभा चुनाव में ना हो, इसके साथ ही उन लोगों से भी वोट डलवाए जाएंगे जो निष्क्रिय हैं, वोट डालने के लिए नहीं आते और उनको पकड़कर पोलिंग बूथ तक लाकर वोट डलवाया जाएगा। एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार, इस पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने संकल्प लिया कि हर बूथ पर लगभग 3 महिलाओं को लगाया जाएगा। मुस्लिम महिला वोटों पर खास नजर रखेगी। इसके साथ ही हर बूथ से महिला वोटरों की ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इस बात पर भी चर्चा की गई। इस दौरान ये भी तय हुआ कि सभी महिलाएं एकजुट होकर वोट करेंगी और सभी महिलाएं दूसरी महिलाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित भी करेंगी। आज हम लोगों ने जो बैठक की है वो पोलिंग स्टेशन कैसे मजबूत हो हमारा और वहाँ पर जो फर्जी वोट पड़ते हैं वो ना पड़ पाए, इसके लिए हम लोगों ने बैठक रखी है। और जो बूथ स्तर पे हमारी महिला जो पन्ना प्रमुख बनाई गई है, बूथ स्तर पे जो महिलाएं लगाई गई हैं वो जितने अधिक से अधिक वोटरों को लेकर के आएं और उनका वोट डलवाएं। कुछ लोग आराम से बैठते हैं कि नहीं अभी नहीं, सुबह नहीं शाम में जाएंगे, तो उनको उनके लिए हम लोगों ने रिक्शा गाड़ियाँ मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनको ले जा करके और उनका वोट डलवाएं। कि हम महिलाएं मिल करके किस तरह से योगदान, क्योंकि हम माननीय योगी जी का परिवार है, तो अब हमारी बारी है, हमें